अभी काफी डिस्कशन हो चुका है वैसे तो, लेकिन फोर्थ हाउस को लेके मेनली ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस देखनी है तो फोर्थ हाउस में सब चीजें देखी जाएंगी। सुख का भाव है, पारिवारिक सुख हुआ, मकान जमीन जायदाद, माता का सुख और मेंटल पीस, थोड़ा सा कम उस पर चर्चा हुई है क्योंकि मन जो है वो कितना हमारा डिस्टर्ब रहेगा, कितना शांत रहेगा। माता जो है उसका सुख हमें, क्योंकि इसे माता सुख भी बोला जाता है सुख भाव के अलावा, तो मदर का सुख हमें किस किस तरह से मिलेगा, वो सब ग्रहों की प्लेसमेंट वहां पे बताती है फोर्थ हाउस में। तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है फोर्थ हाउस को देख के कि वहां पे कोई से फर्स्ट थिंग तो नॉर्मली सबको पता है कि भाव भावेश और भाव कार्य ग्रह, शुक्र और चंद्र हो गए भाव कार्य ग्रह, और भावेश तो सब लोग जानते हैं, और भाव ये तीनों ना बिगड़े तो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो है फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो सुख बोलते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो मेनली माता का सुख है वो देखा जाता है। तो उस चीज पे मैंने एक स्टडी भी किया था एक जन्म कुंडली पर, जिसमें मैंने देखा था कि कर्क लग्न की कुंडली है, फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, और जिसमें आप देख लेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में फोर्थ का जो लॉर्ड है भावेश हुआ शुक्र, थर्ड हाउस में मंगल के साथ था, नीच अवस्था में आ गया बुध की राशि में, फोर्थ हाउस में सूर्य जो है वो कर्क लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस का, जिसको मारक भी बोलते हैं सेकंड हाउस को, उसका स्वामी हो गया, वो नीच की प्लेसमेंट में आ गया तुला राशि में फोर्थ हाउस में, और शनि भी साथ में है, तो दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं, आपस में नहीं बनती है, हालांकि शनि उच्च का हो गया है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट बनी तो वहां पे उनकी जो जो मेरी क्लाइंट की कुंडली थी, मैंने रिसर्च अब किया, तो देखो 5 उनकी साल जो में मदर बेटा को हेल्थ का इशू रहा, उनकी तबीयत खराब रही काफी टाइम तक, उनकी तबीयत खराब रही, और एक एज क्रॉस करके 65 तक की एज क्रॉस करके उनके जीवन का अंत हुआ। लेकिन उसमें फिर मैंने देखा कि शनि जो था वो स्थान वृद्धि करे, शनि जो वाली चीज अप्लाई की, तो उसमें ये दिखाया कि ठीक है, शनि ने एक एक जो एज होती है नॉर्मल जो हम एवरेज एज मान के चलते हैं, तो वो उस लेडी को मिली। तो ये चीज है कि फोर्थ हाउस में काफी चीजें होती हैं। आप इसी चीज को सुखों पे लगा ले कि हमें अच्छा भौतिक सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, तो उसमें बेसिकली यही देखा जाता है कि वहां पे ग्रह कैसे बैठे हैं, वो कुंडली के जो मारक योग कारक ग्रह हैं वो किस तरह से है प्लेस्ड है, कोई पापी ग्रहों से पीड़ित तो नहीं, दृष्टि तो नहीं डाल रहे इस तरह के ग्रह। तो फिर वहां पे जो हर कोई जानना चाहता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सुख सुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे ये रोल अदा करती हैं। जो क्रूर ग्रह होते हैं राहु केतु शनि जैसे ग्रह, उनका वहां प्लेस्ड हो जाना या उनका उनको दृष्टि देना फोर्थ हाउस को। ओके, सो नाइन्थ हाँ वो हाउस शुरू में काफी कुछ महेश जी ने बताया, बिल्कुल जैसे कि भाग्य का है, धर्म का है, डेस्टिनी हाउस बोला जाता है ये, और लंबी यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है, तीर्थ यात्राओं का है, पिछले जन्म के कर्मों से हमारा भाग्य बनता है, तो भाग्य स्थान को डेफिनेटली देखा जाता है कुंडली में, वो कैसे पिता का भी स्थान माना जाता है। और अगर इसमें ग्रह जैसे इसका भाव कारक ग्रह नाइन्थ हाउस के सूर्य और बृहस्पति माने जाते हैं, अगर ये भाव कार्य ग्रह अच्छी प्लेसमेंट में है, ये भी केंद्रीय त्रिकोण में है, या ये खुद यहाँ पे नाइन्थ हाउस में ही आ गए हैं, तो अगर गुरु की प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस में हो जाए तो वैसा इंसान बहुत धार्मिक होता है और अपने धर्म को मानने वाला होता है। अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो जाए, सूर्य प्लेस्ड हो जाए, तो डेफिनेटली उसको राज्य से जो है लाभ प्राप्त होता है। तो शुभ और सौम्य ग्रह जब नाइन्थ हाउस में आते हैं तो काफी शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा लग्नेश का नाइन्थ हाउस में होना, जिसमें मैंने एक मेरी क्लाइंट की कुंडली थी कर्क लग्न की कुंडली थी, तो उसमें वो नाइन्थ हाउस में जो था चंद्रमा प्लेस्ड था मीन राशि में, और ये सबसे अच्छा योग हुआ कि वो लग्नेश उठ के भाग्य में आ गया, तो भाग्यशाली है वो इंसान। उसके बाद फिफ्थ हाउस में जो है गुरु प्लेस्ड था, उसकी दृष्टि नाइन्थ हाउस पे पड़ रही थी, तो ये सारे योग हैं जो अच्छी प्लेसमेंट को बताते हैं नाइन्थ हाउस के लिए। और इसके अलावा काफी कुछ है कि भाग्य का स्थान होने की वजह से कुंडली में नाइन्थ हाउस को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एडवांस अगर हम देखते हैं कि उसकी कैसी ग्रह प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है नाइन्थ हाउस की, या भाव भावेश की कैसी उसकी स्थिति है, वो पीड़ित तो नहीं है, तो वैसे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर नाइन्थ का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो इससे 12वां हो जाने की प्रॉब्लम देता है, थोड़ी बहुत बाधाएं आती है जीवन में,
और 11वें भावत भावम को देखे तो 11वें का 11वां 9th हाउस है, तो लाभेश भी हो गया।